यह ग्रेनेड की वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने टाइम डिले ग्रेनेड की वर्किंग को समझा था और आज के इस वीडियो में हम इंपैक्ट ग्रेनेड की वर्किंग को समझेंगे। यहाँ पर इंपैक्ट ग्रेनेड के कुछ महत्वपूर्ण भाग दिखाए गए हैं। जैसे ही ग्रेनेड टारगेट से टकराता है तो इंपैक्ट ट्रिगर पीछे आता है और प्राइमर प्रिकॉशन कैप पर स्ट्राइक करता है। प्रिकॉशन कैप में इंपैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है जो प्राइमर के टकराने से जल जाता है और डेटोनेटर में आग लग जाती है जिससे छोटा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से मेन एक्सप्लोजिव में आग लगती है और बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से सेल के टुकड़े हो जाते हैं और यह टुकड़े हवा में चारों ओर गोली की स्पीड से बढ़ते हैं। लेकिन इस मैकेनिज्म में एक समस्या है। यदि धोखे से ग्रेनेड जमीन पर गिर जाए तो तुरंत ही विस्फोट हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए डेटोनेटर को वेटेड पिंस की सहायता से पीछे रोक कर रखा जाता है। अब इंपैक्ट ट्रिगर के दबने पर प्राइमर प्रिकॉशन कैप से नहीं टकरा पाएगा जिससे कोई विस्फोट नहीं होगा। जैसे ही ग्रेनेड को तेजी से घुमाकर फेंका जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वेटेड पिंस डेटोनेटर से दूर हो जाती हैं। अब डेटोनेटर स्प्रिंग के दबाव के कारण आगे आ जाता है। जैसे ही ग्रेनेड टारगेट से टकराता है तो इंपैक्ट ट्रिगर के साथ प्राइमर पीछे आता है और प्रिकॉशन कैप से टकराता है और विस्फोट होता है। इस ग्रेनेड को तेजी से फेंकने के साथ यह आवश्यक है कि यह तेजी के साथ घूमे। इसे हाथों के द्वारा तेजी से फेंका तो जा सकता है लेकिन तेजी से घुमाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि इसे फेंकने के लिए ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग किया जाता है जो इसे तेजी से फेंकने के साथ साथ इसे तेजी से घुमा देते हैं। यदि आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आपको पार्ट वन वीडियो दिख रही है जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं।